Hi everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good and taking good care of your health. So in today's tutorial, we are going to decorate our home in three different ways with super simple and easy technique. So let's get started. So the first DIY we are going to do is this beautiful decoupage on lampshade. So इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले we need a lampshade something like this. मैंने preferably white लिया है so that हम उसके ऊपर जो भी artwork करेंगे तो वो बहुत ही beautifully दिखेगा. तो इसके लिए I have taken these three printouts. Same prints हैं और ये normal printout मैंने लिया है inkjet print नॉर्मल A4 शीट पे. अब इस डेकोपाज पेपर को हम स्टिक करेंगे हमारी लैम्प शीट पे. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से टेयर कर लूँगी चारों तरफ और फिर हम लेंगे कोई भी ग्लू. यहाँ मैं फेविक्रिल का मॉड पॉज ग्लू ले रही हूँ. इसको हम अच्छे से अपने पेपर पे स्टिक करेंगे कुछ इस तरह से एंड देन वी आर गोइंग टू स्टिक इट ऑन आर लैम्प शीट. यू कैन यूज़ योर हैंड, यू कैन यूज़ एनी ब्रश, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इसे रब मत कीजिएगा बिकॉज ये प्रिंट आउट पेपर है तो इसका कलर निकलने का थोड़ा सा कभी कभी चांसेस होते हैं. तो आप उसे पहले कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए एंड देन उसके ऊपर एक कोट आपको मॉड पॉज ग्लू का लगाना है. तो इसी तरह से मैंने एक साइड लगा दिया है. अब धीरे धीरे ये थ्री प्रिंटआउट्स लगेंगे क्योंकि लैम्प शीट थोड़ा बड़ा है. तो उसमें मैंने एक लगा दिया है, सेकंड एंड देन थर्ड. और थोड़ा सा इसको इन्हांस करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर से फ्लावर्स एंड लीफ को हाईलाइट किया है. तो पूरा लैम्प शेड बनने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेगा. इसके ऊपर मैं मॉड पॉज ग्लू लगाऊंगी. यू कैन यूज़ एनी ग्लू यू हैव. और एक अच्छा सा मॉड पॉज ग्लू का लेयर देने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे. ड्राई होने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे. ग्लू लगाने के लिए ट्राई टू टेक फैन ब्रश या फ्लैट ब्रश, थोड़ा सा बड़ा हो ताकि ब्रश स्ट्रोक्स ना दिखे. एंड सूखने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेगा. यू कैन सी द शाइन, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़ लुकिंग. और उसके बाद इसके फ्लावर को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक दिस 3D कोन लाइनर. इससे यू कैन सी छोटी सी चीज़ें भी बहुत ही ब्यूटिफुली इन्हांस्ड हो जाती हैं. एंड देन हम ऊपर लेंगे ये ब्यूटिफुल से पर्ल के स्टिकर्स. दे आर ऑल्सो वेरी इजीली अवेलेबल इन एनी स्टेशनरी शॉप. तो इसको हम पूरा ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरह से. और यही सेम चीज़ हम नीचे भी लगाएंगे. तो नीचे के लिए सबसे पहले मैं लूँगी लेस. लेस लगाने के लिए यू कैन यूज़ एनी ग्लू. आई एम यूजिंग हॉट ग्लू गन. हॉट ग्लू गन थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इससे लेसेस वगैरह बहुत ही इजीली स्टिक हो जाते हैं. तो लेस कुछ इस तरह से दिखेगी. इसके ऊपर मैं इस तरह से ये पर्ल स्टिकर स्टिक करूँगी. सो वाइट में आप थोड़ा पर्ल्स दे सकते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुली ये इन्हांस्ड होता है और हमारा ब्यूटीफुल सा लैम्प शेड हो जाता है रेडी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डेकोपाज लैम्प शेड यूज़ करते हैं उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं लगानी है. आपने 0 वॉट या बहुत ही कम वॉट का बल्ब लगाना है सो दैट जब रिफ्लेक्शन पड़े तो हमारा जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ना दिखे. नेक्स्ट DIY वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग जो कि आप अपने घर के एंट्रेंस में लगा सकते हैं या आप इसे इंडोर भी लगा सकते हैं. तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ये MDF का बोर्ड और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जेसो लगा दिया है. मोस्टली मैं MDF के जितने भी मेरे पास पड़े हैं बेस उन सबको मैं जेसो लगा के रखती हूँ बिकॉज हम लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्ट जगह पे. तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसके ऊपर जेसो का कोट नहीं लगा के रखती हूँ तो उसके ऊपर फंगस लग जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर हैक. अगर आपके पास काफ़ी सारे MDF की चीज़ें हैं तो आप उसे जेसो लगा के रखिए. ऑल राइट, सो इस DIY के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस टाइम फिलामेंट डेकोपाज पेपर. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक अ पेपर, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पेपर है. तो सबसे पहले हम ये छोटू सा हाथी लेंगे और इसको हम यहाँ कॉर्नर में स्टिक करेंगे बिकॉज दिस साइड आई एम प्लानिंग टू राइट कोट्स एंड इस साइड में मैं ये हाथी को स्टिक करूँगी एंड ये कुछ इस तरह से दिखेगा.
अब इसके ऊपर आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच दीज थ्री कलर्स. ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपका पेपर का कलर है आप उसी को कॉम्प्लीमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है थोड़ा सा ग्रीनिश, फिर टील और पिस्ता ग्रीन, हल्का सा येलो. तो ये सारे कलर मिला के आप कुछ इस तरह की शेडिंग दे सकते हैं एंड यू कैन सी द बेस इज़ लुकिंग रियली नाइस. ऑलराइट, वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, ऊपर भी आपको थोड़ा सा शेडिंग देना है बिकॉज इसमें ऊपर कट का डिज़ाइन है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो भी कट वाला डिज़ाइन होता है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे से कलर फिल करना होता है, अदरवाइज वो साइड से वाइट दिखता है तो वो अच्छा नहीं दिखता. ऑलराइट, सो इन सबको सील करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ माई फेवरेट मॉड पॉज ग्लू. सो इसको आप अच्छे से लगाइए, इसे आप ड्राई होने दीजिए. मैं ग्लू इसलिए लगा रही हूँ सो दैट हमारा जो कलर है वो अच्छे से सील हो जाए. सो वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड हम इसके ऊपर लिखेंगे कोट्स. कोट्स के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस स्टेंसिल. ये स्टेंसिल में इस तरह से लिखा है लेकिन मुझे कुछ इस तरह से लिखना था इसे. तो वेलकम टू आर नेस्ट, आप हमेशा इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं और आप इस तरह की स्टेंसिलिंग करके काफ़ी ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स एंड होम एंट्रेंस में जो वॉल हैंगिंग्स रहते हैं वो बना सकते हैं. इसको लिखने के लिए आई एम यूजिंग दिस ब्लैक चॉक पेंट. यू कैन यूज़ एनी पेंट यू हैव. वंस द कोट्स आर डन, इसके बाद हम इसके ऊपर एक कोट देंगे ग्लू का. यू कैन यूज़ एनी ग्लू. एंड लास्ट में वार्निश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वार्निश डेफिनेटली लगाइए. एंड दिस इज़ आवर ब्यूटिफुल वॉल हैंगिंग इज गोइंग टू लुक. थर्ड एंड लास्ट DIY आपने ऑलरेडी देखा है लेकिन मैंने इसका ट्यूटोरियल नहीं डाला था. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंडियन काउ डेकोपाज ऑन प्लेट. तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी प्लेट लेंगे. यू कैन यूज़ एनी प्लेट्स यू हैव. यू कैन यूज़ प्लास्टिक की प्लेट्स, यू कैन यूज़ सेरामिक प्लेट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है. तो प्लेट के ऊपर सबसे पहले हमने लगाना है जेसो सो दैट हमारा बेस थोड़ा स्ट्रांग रहे. जेसो लगाने के बाद आप उसे सूखने दीजिए कम्प्लीटली. And then we are going to use this beautiful napkin. तो इसको stick करने के लिए you can take any glue you have. पहले आप glue लगाइए, फिर आप napkin paper को धीरे से stick कीजिए. Center से आपको बाहर की तरफ flat brush से, dry brush से इसको फैलाना है. Always remember, जब भी आप इसे stick कर रहे हैं आपका जो glue है वो transparent होना चाहिए, उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके नैपकिन पेपर के ऊपर आ जाएगा. सो रिसेंटली मुझे एक फॉलोअर ने पूछा था कि मैम मेरा डेकोपाज शीट पूरी की पूरी मर्ज हो गई है. तो दैट इज़ द रीज़न, आपको जो ग्लू यूज़ करना है वो ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है. ऑलराइट, उसके बाद इसको हमें इन्हेंस करना है. तो जो भी आपका नैपकिन पेपर होता है उसको कलर कॉम्बिनेशन देखकर यू हैव टू एनहांस इट. तो यहाँ यू कैन सी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर है. धीरे धीरे करके आप फ्लावर्स बनाइए, इन्हेंस कीजिए अपनी प्लेट को. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. तो अगर आपको वो खरीदने हैं यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और इसको सील करने के लिए फिर हम यूज़ करेंगे एनी ग्लू. और लास्ट में हमने पोस्का मार्कर से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हाईलाइट किया है. दैट वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल, यू कैन सी इस तरह से आपको ये कॉर्नर्स हाईलाइट करने हैं. और इन सबको सील करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ वार्निश, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड दिस इज़ हाउ आर इंडियन डेकोपाज प्लेट इज़ गोइंग टू लुक. So
सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आज 3 DIYs किए जिससे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं, लैम्प शेड्स को डेकोरेट कर सकती हैं, कुछ वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं आप, और इस तरह से अपने घर में प्लेट्स भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेस्ट प्लेट्स पड़ी हैं आप उनको रीयूज़ करके वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल वॉच माई अदर वीडियोज़ एज वेल। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।